चैप्टर फोटी फाइव बैलेंस शीट एनालिसिस कंक्लूडेड पिछले चैप्टर्स में हमने वो सिचुएशंस डिस्कस की जिनमें बैलेंस शीट बता रही थी कि स्टॉक प्राइस हायर होना चाहिए लेकिन एक्चुअल में वो कम था बट यूजुअली हम बैलेंस शीट ये पता करने के लिए देखते हैं कि फिनंशियल वीकनेस तो नहीं है बिजनेस में कंपनी के जैसे कि कैश एडिकुएट है या नहीं है करंट एसेट्स की रिलेशनशिप करंट लाइबिलिटीज़ के साथ ठीक है और बहुत सारा डेट ऐसा तो नहीं है जो बहुत ही जल्दी मेच्योर होने वाला है जिसकी वजह से रीफाइनेंसिंग में मुश्किल हो सकती है रीफाइनेंसिंग का मतलब होता है कंपनी के पास ऑलरेडी एक लोन है उसकी रीपेमेंट करने के लिए कंपनी दूसरा लोन ले लेती है उसे बोलते हैं रीफाइनेंसिंग सबसे पहले वर्किंग कैपिटल पोजिशन की बात करते हैं इसमें ऑथर ने सिंपल बोला है करंट रेशो है जो करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटीज़ वो दो या उससे ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन ऑथर ये भी बोलते हैं कि हमें थोड़ा डीप में जाना चाहिए इसमें जैसे एग्जांपल लेते हैं कि किसी कंपनी की करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज़ की रेशियो बारह थी और वो बारह से कम हो गए दो हो गया वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो अकाउंट पेबल्स थे वो नॉर्मल हो गए थे तो एक्चुअल में वो कुछ ख़ास घबराने वाली बात नहीं थी पहले मतलब नॉर्मल नहीं थे अब नॉर्मल हो गए हैं जिसकी वजह से ये रेशो इतनी कम हुई है लेकिन अगर आप क्वांटिटेटिवली देखें इसको कि 12 से 2 हो गया आप डर जाओगे कि इतना कम कैसे हो गया और फिर बैलेंस शीट पे जो बैंक डेट होता है वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है कंपनी के लिए जो भी फिनेंशियल प्रॉब्लम आती हैं कंपनी में ज़्यादातर वो बैंक लोन्स के होने की वजह से ही होती हैं बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बैंक डेट है तो वो बहुत ही बुरा साइन है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि वो बुरा कर सकता है कंपनी के लिए तो एनालिस्ट को ध्यान से देखना चाहिए उस बैलेंस शीट को जिसपे बैंक डेट है कंपेयर टू उस बैलेंस शीट पे जो कि एकदम क्लीन है ये बैंक डेट वगैरह कुछ नहीं है तो ज़्यादातर केसेस में एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि जब बैंक लोन रीपे करने का टाइम आएगा तो हम रीफिनंस कर लेंगे कोई और लोन ले लेंगे और उसे रीपे कर देंगे लेकिन ज़्यादातर केसेस में रीफिनैंसिंग इम्पॉसिबल हो जाती है और फिर रिसीवरशिप हो जाती है जिसकी वजह से रीफिनेंसिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि जिस टाइम पे मान लो आपको डेट रीपे करना है उस टाइम पे कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार है कुछ टाइम के लिए ही लेकिन वो तो आपको रीपे करना ही पड़ेगा दूसरा बंदा आपको कर्जा नहीं देगा जिससे आप पुराने वाला कर्जा उतार दें तो ये प्रॉब्लम आ जाती है फिर कंपनीज का आपस में भी डेट होता है जैसे कोई कंपनी है वो अपनी एफिलिएट या सब्सिडरी को डेट दे दे या अपने पेरेंट को डेट दे दे तो आपस में इंटर कॉरपोरेट डेट होता है जो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के गले पे अंगूठा रख के बोले कि मेरा डेट वापस कर जैसे बैंक बोल सकता है बट जो भी डेट मैच्योर हो रहा है जल्दी ही और काफ़ी ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फिर फंडेड डेट होता है जो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है क्रिएट अगर वो जल्दी मैच्योर होने वाला है तो अगर एक बहुत बड़ा पार्ट बॉन्ड इशू का बहुत ही शॉर्ट टर्म में रिटायर होने वाला है और कंपनी के जो ऑपरेटिंग रिजल्ट्स हैं इनकम स्टेटमेंट पे लॉसेस हैं तो रीफाइनेसिंग में प्रॉब्लम आएगी खुद के पास पैसे नहीं है कोई और लोन देगा नहीं तो कैसे रीपे कर पाएगी अगर बैंक डेट या फंडेड डेट यानी कि जो बॉन्ड इशू करके डेट रेस करते हैं वो बहुत ही जल्दी मेच्योर होने वाला है और वो बहुत ही बड़ी अमाउंट है और कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे नहीं हैं तो वो इंस्टॉलमेंट होने के काफ़ी अच्छे चांस हैं बट अगर रीफिनेंस हो भी गया तो हो सकता है वो महंगे पे रीफाइनेंस हो जैसे मान लो मुझे रीपे करना है लोन चार परसेंट इंटरेस्ट रेट वाला और आज की डेट में मैं छः परसेंट पे लोन लूँ किसी और से क्योंकि मुझे फेवरेबल टर्म्स में नहीं मिल रहा क्योंकि मेरी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है ऐसा कुछ भी है कंडीशन मार्केट में अच्छी नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम ही है एक तरह से कि मैं कम इंटरेस्ट वाला डेट रिटायर करने के लिए हाई इंटरेस्ट डेट ले रहा हूँ तो किसी भी प्रकार का डेट या लोन जो कि शॉर्ट टर्म में मैच्योर हो रहा है या इंटरमीडिएट टर्म में भी हो रहा है इंटरमीडिएट टर्म मतलब कुछ सालों में पाँच सात सालों में दस सालों में हो रहा है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए बट अगर किसी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि बुरा है अगर कंपनी की अर्निंग पावर बहुत बड़ी है तो वो ईजीली रिफिनेंस हो जाएगी या फिर करंट एसेट पोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग है करंट लाइविलिटीज़ के कंपेरिजन में तो वो ईज़िली रिटायर हो जाएगा जो डेट है तो अगर बाकी चीज़ें अच्छी नहीं है और डेट भी है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उसे रीपे करने के चक्कर में डिविडेंड भी सस्पेंड हो जाएंगे और हो सकता है कंपनी इंस्टॉलमेंट भी हो जाए इंस्टॉलमेंट मतलब बैंक करप्ट फिर ऑथर बात करते हैं बैलेंस शीट का कंपेरिजन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑथर बोलते हैं तीन काम के लिए बैलेंस शीट यूज़ कर सकते हैं पहला जो रिपोर्टेड ई पी एस है इनकम स्टेटमेंट में वो चेक करने के लिए कि वो सही है या नहीं है दूसरा जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं कंपनी को उनका फिनेंशियल पोजिशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा पॉजिटिव पड़ेगा या नेगेटिव पड़ेगा तीसरा ये देख सकते हैं कि जो कंपनी के रिसोर्सेज़ हैं और जो कंपनी की अर्निंग पावर है उनका आपस में कैसे रिलेशनशिप चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ़ टाइम या कैसे मेंटेन किया हुआ है रिलेशनशिप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो सबसे पहले वाले पे चलते हैं रिपोर्टेड ईपीएस का चेक कैसे करते हैं बैलेंस शीट इसमें हमने अर्निंग्स देखनी है क्या है डिविडेंड कितना पे किया है तो जो डिफरेंस होगा वो सरप्लस में ऐड होना चाहिए लेकिन अगर जो दो बैलेंस शीट आपके पास हैं उनकी जो सरप्लस हैं अलग अलग उनके बीच का डिफरेंस अगर अलग है इस वैल्यू से जो इनकम स्टेटमेंट से ऐड होने चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या इन्वेंट्री राइट डाउन हुई है या कोई और एसेट राइट डाउन किए हैं फिक्सड एसेट वग़ैरह जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन कम ना होगी हो जिसकी वजह से अर्निंग्स ओवर स्टेट होगी होंगी तो ये सब हम देख के ये देख सकते हैं कि जो रिपोर्टेड ई है कंपनी की इनकम स्टेटमेंट में क्या वो एक्चुअल में सही से कंपनी ने रिपोर्ट किया है कुछ ऐसा तो नहीं किया हुआ कि फिक्स्ड एसेट्स को अंडर वैल्यू कर दिया है ताकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो इनकम स्टेटमेंट में और अर्निंग मेरी ओवर स्टेट हो जाए फिर दूसरा था प्रॉफिट और लॉस का क्या इफेक्ट पड़ता है फिनंशियल पोजीशन पर कंपनी की तो हमने पहले भी वो डिस्कस किया था एक एग्ज़ाम्पल चैप्टर फोटी थ्री में मैनहैटन शर्ट और हब मोटर्स का उसमें हब मोटर्स के जो कैश एसेट्स हैं वो फिफ्टी परसेंट से कम हो गए थे और नेट करंट एसेट्स साठ परसेंट से कम हो गए थे और वहीं मैनहेटन शर्ट के करंट एसेट्स 10 परसेंट से कम हुए थे लेकिन जो कैश एसेट पोजीशन थी वो बहुत ही इम्प्रूव हो गई थी क्योंकि उसने अपने रिसिवेबल और इन्वेंट्री को बेच के जो पैसा आया था उससे बैंक लोन रीपे कर दिए थे और कैश बढ़ गया था ऐसे ही इस चैप्टर में एक और एग्जाम्पल देते हैं उधर प्लाईमाउथ माउथ वर्सेज मेलिनसन उन्नीस बैलेंस शीट और 1932 की बैलेंस शीट के बीच का इसमें प्लाईमाउथ जो थी उसका सरप्लस बहुत ज़्यादा कम हो गया था पर उसके बाद भी उसकी फिनेंशियल पोजीशन और स्ट्रॉग हो गई थी पीरियड के एंड में वो कैसे हुई थी क्योंकि उसकी लिक्विडेशन वैल्यू पर शेयर बेटर हो गई थी उसके जो कैश एसेट्स थे वो बढ़ गए थे इसलिए और कैश एसेट्स हमें पता है वो पूरी तरह रियलाइज़ कर सकते हैं हम हंड्रेड परसेंट वैल्यू मिलती है उनकी जबकि मेलिनसन थी जो उसको लॉसेस हुए थे जिससे उसकी वर्किंग कैपिटल भी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उसकी जो प्रीवियस अर्निंग पावर थी उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो गया था कंपनी के लिए फिर उधर बोलते हैं कि अगर हमें लॉसेज हो रहे हैं सिर्फ इन्वेंट्री के डिक्लाइन होने की वजह से तो उससे फिनैंशियल पोजिशन इंप्रूव भी हो जाती है जैसे कि अगर जो आपकी इन्वेंट्री है वो ज़्यादा श्रिंक कर जाए उससे जितना आपको लॉस हुआ तो मतलब आपका जो कैश है वो बढ़ गया और उस कैश को यूज़ करके आप अकाउंट्स पेबल को भी रिड्यूस कर सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी की फिनैंशियल पोजीशन स्ट्रेंथन हो गई है लॉसेस के बावजूद भी और इससे आपकी लिक्विडेशन वैल्यू इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि जो इन्वेंट्री होती है वो फिफ्टी टू सेवेंटी रिकवर कर पाते हैं और अभी कैश एसेट्स आ गया आपके पास और करंट लाइबिलिटीज़ में अकाउंट्स पेबल भी कम हो गया इसका मतलब जो कंपनी की इनकम स्टेटमेंट पे ऑपरेटिंग लॉस है वो एक्चुअल में प्रॉफ़िट भी हो सकता है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि लिक्विडेशन वैल्यू में इंटरेस्टेड हो फिर ऐसे ही इन्वेंट्री इन्फ्लेशन के जो प्रॉफिट होते हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है उधर बताते हैं एग्जाम्पल देते हैं यू रबर कंपनी का बहुत ही ज़्यादा लार्ज अर्निंग्स होने के बावजूद फिनंशियल पोजिशन कंपनी की डिट्योरेट होगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे प्लांट और एक्सपेंशन ऑफ इन्वेंट्री पे तो जो इन्वेंट्री और फिक्स्ड एसेट्स पे पैसा एग्रेसिवली खर्च हो रहा था उसकी वजह से करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म डेट भी बढ़ रहा होगा एग्रेसिवली तो कोई भी इन्वेस्टर अगर सिर्फ इनकम स्टेटमेंट देखता तो उसे तो बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग्स दिखती बैलेंस शीट देखता तो उसे पता चलता कि फिनंशियल पोजिशन एक्चुअल में डिट्योरेट हो गया फिर तीसरा वही है कि अर्निंग पावर और रिसोर्सेज का आपस में क्या रिलेशन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो ये तभी देखते हैं जब आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना हो कंपनी का रिकॉर्ड देखने में और उसकी क्या करेक्ट्रस्टिक्स हैं वो पता करने में इसमें उधर दो एग्जाम्पल देते हैं यू एस स्टील कॉरपोरेशन का और कौन प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी का पहले यू एस स्टील कॉरपोरेशन की बात करते हैं तीस साल की हिस्ट्री स्टडी करी है उधर ने इस कंपनी की ये पता करने के लिए कि कंपनी के जो रिसोर्सेज है और अर्निंग पावर है आपस में क्या रिलेशन है पहला जो डेकेड है वह है उन्नीस से उन्नीस दूसरा है उन्नीस सौ तेरह से बाईस तीसरा है उन्नीस सौ तेईस से बत्तीस तो ये तीनों डेकेड जो थे इनमें अच्छे साल भी और बुरे साल भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर था तो जो वॉर पीरियड था 1913 से 1922 के बीच का जो सेकेंड डेकेड है उसमें यूएस स्टील कॉरपोरेशन को बहुत फ़ायदा हुआ था 300 मिलियन प्रॉफिट ऐड कर दिए थे उसने कंपेयर टू जो पिछला डेकेड था और ये पूरा 30 साल के टाइम में जो यूएस स्टील थी उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई थी और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो तीन गुना हो गई थी लेकिन जो उसकी एवरेज एनुअल प्रोडक्शन थी वो सिर्फ सत्ताइस परसेंट से बढ़ी थी और एवरेज एनुअल एबिट होता है जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स वो सिर्फ बारह परसेंट से बढ़ पाया था उन्नीस सौ तेईस से उन्नीस सौ बत्तीस के बीच में अगर हम कंपेयर करें फ़र्स्ट डेकेड के साथ उसे तो सवाल ये उठता है कि जो थर्ड डेकेड था जब लड़ाई ख़त्म हो गई थी तो स्टील प्रोडक्शन पहले तो प्रॉस्प्रस हुआ करती थी तो अभी अनप्रॉफिटेबल हो गया क्या यह हमें पता करना पड़ेगा कि क्या चक्कर हुआ था कि जिस हिसाब से हमें प्रोडक्शन फैसिलिटी बढ़ाई इन्वेस्टमेंट बढ़ाई उस हिसाब से हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी और ना ही अर्निंग्स बढ़ी या हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इनकी वजह से ओवर सप्लाई हो गया ओवर कैपेसिटी हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया फिर आ जाओ कॉर्न प्रोडक्ट्स रिफाइनिंग कंपनी में इसमें पहला डैकेट था 1906 से 1915, दूसरा था 1916 से 20, तीसरा 1926 से 35 तो इसमें जो पहला पीरियड था उसमें अर्निंग्स पुअर थी और दूसरा था वॉर पीरियड जिसमें बेनिफिट अच्छा हुआ इसे जैसे कि यूएस स्टील को हुआ था वैसे इसे भी जबरदस्त अर्निंग्स जनरेट की इसने और वर्किंग कैपिटल भी अच्छी खासी बढ़ी और उसका फंडेड डेट और प्रेफर्ड स्टॉक काफ़ी हद तक उसने कम कर दिया था फिर आया तीसरा डेकेड जिसमें कि डिप्रेशन वाले साल भी आ गया इस पीरियड में भी कंपनी अपनी अर्निंग पावर बढ़ा चुकी थी प्रपोर्शनेटली जिस हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था कंपनी में यू एस स्टील कॉरपोरेशन की तरह नहीं कि उसी प्रपोर्शन में नहीं कर पाई कंपनी के जो एनुअल प्रॉफिट्स थे थर्ड डेकेड में वो चार गुना हो गए थे फर्स्ट डेकेड के जो थे उससे जबकि जो यू एस स्टील थी उसके प्रॉफिट्स थर्ड डेकेड में कम थे अगर उसके फर्स्ट डेकेड से कंपेयर करें तो जिस हिसाब से कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स की उस हिसाब से ही उसने अपनी अर्निंग पावर को भी बढ़ाया तो इस केस में हमें वो सवाल पूछने ज़रूरी नहीं है जो हमने यू एस स्टील कॉरपोरेशन केस में पूछे थे इसी के साथ ये पार्ट सिक्स खत्म हो जाता है जिसमें बैलेंस शीट की बात होती है धन्यवाद